हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अबीर, योर टेक्निकल एनालिस्ट एट केएसबी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। मार्केट के क्लोजिंग एनालिसिस के साथ मैं हाजिर हूं। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द सोशल मीडिया बैन जो कि आज फ्राइडे के दिन लगाया गया, तो इसी वजह से ये जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली मार्केट तो काफ़ी देर पहले ऑफ हो चुकी होगी, बट पोस्टिंग में जाहिर सी बात है इट विल टेक सम टाइम, और तकरीबन ये 3, 4 या 5 बजे तक शायद आप ये वीडियो देखें। आज की क्लोजिंग की बात कर लें मार्केट की, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ने अगेन जो इस वीक की जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो पॉइंट्स वाइज भी हमने डिक्लाइन देखा, इन्वेस्टमेंट सिनेरियो भी हमने थोड़ा सा डिक्लाइन देखा, वॉल्यूम भी जो है वो हमने डे ऑन डे बेसिस पे कम होती हुई देखी, जो कि ऑब्वियसली एक रिचुअल होता है फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान अगर हम कह लें तो मार्केट के अंदर इसी तरह जो है वो जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन हो जाता है। 45,300 पे क्लोजिंग आई है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है इस वीक। जिस तरह मैंने आपको एक्सपेक्टेशन दिखाई दी कि मार्केट जो बुल्स हैं जो बायर्स हैं उनको वेलकम करते हुए नजर आती है, बट बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम नहीं है बिकॉज 45,500 और 700 के क्रूशल रेजिस्टेंस लेवल हैं। 75 पॉइंट्स की क्लोजिंग आई है, 55 मिलियन की वॉल्यूम है, कल तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कल तकरीबन 80-85 मिलियन की वॉल्यूम थी, जो कि आज हम देख सकते हैं कि 55 मिलियन की वॉल्यूम है। तो डेली बेसिस पे जो वॉल्यूम है वो भी कम हुआ है वॉल्यूम का एवरेज, और जो ट्रेडेड वॉल्यूम्स हैं वो उनके अंदर भी काफ़ी हमने कमी देखी, एंड नॉर्मल सी बात है, कोई इसमें इतनी इशू वाली बात नहीं है। इंट्राडे हाई की बात करें अगेन, आज मार्केट ने दोबारा अपना 45,500 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके करीब इसने जो है इंट्राडे हाई बनाया, उसके बाद मार्केट के अंदर सस्टेनेबिलिटी हमने 45,300 देखी जो कि बहुत अच्छी इंडिकेशन है। 51 कॉन्सिडेंट्स वाला अप, 37 वन डाउन। सेक्टर वाइज बात कर लें तो सेक्टर वाइज कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर आज दोबारा पॉजिटिव था, और अगर वीकली बेसिस पे अगर हम उसकी बात करें कि सबसे ज़्यादा सेक्टर्स किसने इन्वॉल्वमेंट हमारे पास दिखाई मार्केट के अंदर, तो उनमें हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी जो है वो तकरीबन हमारे पास 2 दिन काफ़ी पॉजिटिव रहा, कमर्शियल बैंक की मूवमेंट देख सकते हैं, सीमेंट की मूवमेंट हमने KSE 100 इंडेक्स में देखी। इसी वजह से कमर्शियल बैंक और सीमेंट इन सेक्टर्स की वजह से जो इनकी पॉजिटिव सस्टेनेबिलिटी थी तो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड नहीं गई और अच्छी सस्टेन करी है 45,000 इंडेक्स पॉइंट्स के अबव। नेगेटिव हम देख रहे हैं टोबैको एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हार्डली हमें नजर आया। कंपनी वाइज बात करें, वॉल्यूम बेस्ड बात कर लें तो TRG अगैन 16 मिलियन, ATRL 3 मिलियन और तकरीबन 3-3, 2-2 मिलियन के साथ वॉल्यूम की क्लोजिंग आई। वीकली बेसिस पे जाहिर सी बात है ये वीकली रिटर्न जो है थोड़ा सा एडजस्ट होगा, और तकरीबन ये कि 1.50%, पिछले वीक हमने 2% का गेन देखा था तो इस वीक हम तकरीबन 8% का वीक ऑन वीक जो है गेन देख सकते हैं। 74,200 पे के MI 30 इंडेक्स की क्लोजिंग आई, 19 मिलियन की वॉल्यूम। इंटरडे हाई की बात करें तो 74,500 मार्क इसने जरूर टच किया। सेक्टर वाइज बात कर लें तो सेक्टर वाइज जो है सबसे ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी और पॉजिटिव मोमेंटम फर्टिलाइजर ने दिखाया। KMI 30 इंडेक्स में इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल हम देख सकते हैं। सीमेंट वॉज अ बिट डाउन, बट ये गोइंग इन टू द फ्यूचर ऐसी बात है फंडामेंटली काफ़ी इसकी डिमांड मौजूद है। वॉल्यूम बेस बात कर लें तो अटक रिफाइनरी, यूनिटी, SMGP 3-3 और 1-1 मिलियन के साथ क्लोजिंग है। सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है इस वीक की, जो कि मैंने अपनी वीकली टेक्निकल आउटलुक में चीज़ मेंशन की थी, कि जो मार्केट का ये जो ब्रेकआउट है, ये जो हमारे पास डाउनवर्ड मोमेंटम चल रहा था, जो हमारे पास ये सप्लाई लाइन डिमांड लाइन हमें मिल रही थी और ये बिल्कुल लो होती जा रही थी, रेजिस्टेंस लेवल गिरते जा रहे थे, हाई बनता था उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती थी, इसी तरह फिर हाई बनता था फिर मार्केट नीचे आ जाती थी, तो वही चीज़ हमने देखी। और ये जो ब्रेकआउट यहाँ मार्केट ने लिया है 45,000 इंडेक्स पॉइंट्स का, तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। 45,700 पे रेजिस्टेंस है, मार्केट उसको टच करके थोड़ा सा नीचे आके दोबारा बाउंस बैक करके ऊपर जाने की सलाहियत रखती है। तो ये बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है इस वीक की, एंड वी होप यही जो वर्किंग है वो नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू हो। मार्केट हीट मैप पर नज़र डालें तो मार्केट हीट मैप में हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो मार्केट की आज की जो क्लोजिंग है उसमें हम देख सकते हैं कि केमिकल में GGL देखा जाए टेक्निकली थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट है, बट आज दोबारा अपर लॉक हमें इसमें नज़र आया। और टेक्नोलॉजी देखें, टेक्नोलॉजी गोइंग फॉरवर्ड डिप पे ज़रूर एक्यूमुलेट करना चाहिए, बट वीक ऑन वीक बेसिस पे इसके अंदर भी सेलिंग एक्सपेक्टेड है। बाकी अगर स्विप्स की बात करें, वॉल्यूम कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा मोमेंटम ऑन द अपसाइड नहीं दिखा, पॉजिटिव प्रॉफिट टेकिंग सिनेरियो में दिखा आज के दिन। अब हम बात कर लें मार्केट के वीकली एनालिसिस की, एंड वीकली एनालिसिस में अगर हम बात करें कि KSE 100 इंडेक्स की, तो हमारे पास वीक ओपन हुआ 45,200 पे, हाई इसने आज के दिन बनाया 45,471, कल के दिन भी 45,400 मार्क टच किया था। सबसे लोएस्ट जो है वो मंडे के दिन ही मार्केट ने डिप लिया था और नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई थी, और 44,700 पे इसने अपने जो सपोर्ट लेवल है उसको टेस्ट किया था, उसके बाद से मार्केट ने नीचे की तरफ देखा ही नहीं।
183 मिलियन की वॉल्यूम ट्यूसडे वाले दिन हाईएस्ट थी और आज के दिन सबसे लोएस्ट वॉल्यूम हमने केसी एंड इंडेक्स में देखी, दैट इज 55 मिलियन। 263 पॉइंट्स अगेन वेडनेसडे वाले दिन हाईएस्ट बनाए थे और 208 पॉइंट मंडे के दिन ही मार्केट केसी एंड इंडेक्स ने लूज कर दिए थे। मैं जिस तरह बात कर रहा था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की गोइंग फॉरवर्ड काफी अच्छा मोमेंटम इस वक्त है, डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, तो टेक्नोलॉजी दो दिन हमारे पास काफी पॉजिटिव रहा, 100 पॉइंट्स अबव की इंक्लूजन इसने करी मार्केट के अंदर, और कमर्शियल बैंक 89 पॉइंट्स के साथ देख सकते हैं, और आज के दिन भी कमर्शियल बैंक ने तकरीबन 27 मिलियन। तो टेक्नोलॉजी और कमर्शियल बैंक ने 100 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली जो है मार्केट के अंदर ऐड किए, टोटल 200-300 पॉइंट्स ऐड करते हुए हमें नजर आए। सीमेंट सेक्टर की बात कर लें, 35 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ इसने वीकली क्लोजिंग दिखाई, और इस वीक का जो गेन है वो तकरीबन 120 पॉइंट्स केसी 100 इंडेक्स ने गेन किए। लास्ट वीक अगर हम बात करें तो जो अप्रैल की स्टार्टिंग थी तो तकरीबन 800 पॉइंट्स केसी 100 इंडेक्स ने गेन किए थे, तो तकरीबन 700 पॉइंट्स का जो है वो डाउनफॉल हमने वीक ऑन वीक बेसिस पे हम देख सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो 969 मिलियन की वॉल्यूम लास्ट वीक थी, इस दफा 631 मिलियन की वॉल्यूम है, तो तकरीबन 300 मिलियन वॉल्यूम का डिक्लाइन हम देख सकते हैं, जो कि मार्केट के अंदर थोड़ी डलनेस हमें जो है वो क्लियर कर रही है, इस डलनेस की जो इंडिकेशन है वो हमारे पास सामने डेटा जो है वो हमें बता रहा है। MI30 इंडेक्स की बात करें, 74,400 पे ओपनिंग दिखाई, 73,519 का लो बनाया, 74,790 क्लोजेस 74,800 अपने रेजिस्टेंस लेवल के करीब कल गई थी मार्केट की MI30 इंडेक्स की, और आज के दिन सबसे लोएस्ट वॉल्यूम थी 19 मिलियन की, सबसे हाईएस्ट इस वीक 62 मिलियन की वॉल्यूम थी ऑन ट्यूजडे। मंडे के दिन ही मार्केट ओपन नेगेटिव हुई थी, उसके बाद हम देख सकते हैं मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, अपार्ट फ्रॉम कल की जो हमने करेक्शन देखी इस वीक की, तो मार्केट ने इस वीक के MI30 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 700 पॉइंट्स लूज किए, और अगर पॉइंट्स एडिशन की बात करें तो 469, 7.41 और 48 पॉइंट्स को मिला के तकरीबन 600 पॉइंट्स बनते, क्लोज टू 600 पॉइंट्स बनते। तो हमारे पास इस वीक का जो रिटर्न आया ऑब्वियसली 700 पॉइंट्स में से अगर 550-560 पॉइंट माइनस करें तो 193 पॉइंट्स के MI30 इंडेक्स ने इस वीक लूज किए। पिछले वीक की अगर हम बात करें तो 1367 पॉइंट्स गेन किए थे, तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली हमने पॉइंट्स लूज करते हुए कि MI30 इंडेक्स इस वीक देखा। फर्टिलाइजर तीन दिन हमारे पास जो है मार्केट के अंदर इसने मोमेंटम शो किया, दो दिन नेगेटिव था, आज के दिन पॉजिटिव था। सीमेंट हम दो दिन देख सकते हैं कि MI30 इंडेक्स में इसने क्लोजिंग दिखाई। गोइंग फॉरवर्ड अगेन रिजल्ट सीजन है, जिस तरह मैं आप लोग को बताता रहता हूँ रिजल्ट सीजन है, नज़र रखा करें जो मार्केट की और कंपनीज की अनाउंसमेंट वगैरह हैं, ताकि उस पर आप लोग पॉजिटिव इंपैक्ट आया तो शेयर प्राइस में आप एक्यूमुलेशन कर सकें, अगर नेगेटिव इंपैक्ट हो तो आप उस पोर्टफोलियो उसको उस ट्रिप को अपने पोर्टफोलियो में से जो है वो डिस्कार्ड कर दें। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक अगर हम बोर्ड मीटिंग्स पे रिजल्ट डालें, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास इस वक्त बोर्ड मीटिंग में। एंग्लो फर्टिलाइजर नेक्स्ट मंडे इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, जो कि ऑब्वियसली अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज फर्टिलाइजर में हमें पता है कि मोमेंटम अच्छा रहता है। ईफर्ट इज वन ऑफ इस वक्त मार्केट की जो सिचुएशन है, आई हाईली रिकमेंड कि अपने पोर्टफोलियो में ईफर्ट जरूर रखें फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, ताकि शेयर प्राइस का भी इनका गेन नजर आता है, फर्टिलाइजर्स के नंबर्स अच्छे नजर आते हैं और शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो सकती है, और फिर वही बात है कि सबसे ज्यादा डिविडेंड पेइंग स्क्रिप है ईफर्ट, तो बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर आप ईफर्ट्स के जो ईफर्ट जरूर रखना चाहिए, पोर्टफोलियो बिल्ड करें ईफर्ट जरूर रखें। ईफर्ट आपको क्वार्टरली बेसिस पे जो है वो डिविडेंड पे आउट देता रहेगा, आपके कम से कम बैठे बैठाए कुछ ना कुछ अमाउंट आपके बैंक में आती रहेगी, तो ईफर्ट जरूर रखें। मारी पेट्रोलियम एक और बड़ा नाम है, हम देख सकते हैं मारी पेट्रोलियम की थर्ड क्वार्टर की जो है वो शेड्यूल हुई हुई है अनाउंसमेंट। इसी तरह हम आरिफ हबीब की देख सकते हैं, आरिफ हबीब का थर्ड क्वार्टर है। सियान लिमिटेड की अगर हम देखें फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, एंड देन रफान मेस प्रोडक्ट्स। सो मंडे के दिन तीन बड़े नाम हैं अनाउंसमेंट के हिसाब से, ईफर्ट, मारी, आरिफ हबीब, तो इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी क्रूशल हैं। जाहिर सी बात है बैंकिंग में सेक्टर में आरिफ हबीब जो है अगर आप लोग रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो उसके रिजल्ट का भी इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। मारी का भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है, कैब भी लास्ट टाइम हटा था तो एक बहुत अच्छी इंडिकेशन थी मारी के लिए, और ईफर्ट भी अच्छा नाम है। ट्यूसडे की अगर हम बात करें, गोइंग फॉरवर्ड ट्यूसडे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है, और इस वक्त अगर हम बात करें बड़े नाम की, तो देर इज अमरीली स्टील, ASTL इंजीनियरिंग, हमें पता है कि जाहिर सी बात है स्टील इंजीनियरिंग सेक्टर के रिजल्ट अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, तो अमरीली स्टील का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। देन देर इज इंटरनेशनल स्टील अगेन इंजीनियरिंग सेक्टर, देन देर इज आयशर स्टील इंजीनियरिंग सेक्टर, थर्ड क्वार्टर
इसी तरह अगर हम बात करें एमसीबी बैंक का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है फॉर फिस्कल ईयर 21, हबीब बैंक लिमिटेड का भी रिजल्ट है, मीजान का भी रिजल्ट है, तो बैंकिंग सेक्टर हम देख सकते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर के रिजल्ट ट्यूजडे के दिन देख सकते हैं। और इसी तरह अगर हम मेपल लीफ सीमेंट थर्ड क्वार्टर बहुत बड़ा मेपल लीफ सीमेंट पावर सीमेंट के हम रिजल्ट देख सकते हैं, और एवेंसियन का जो है वो एनुअल एनुअल कंपनी की जो अनाउंसमेंट है रिजल्ट की वो भी हमारे पास ट्यूजडे के दिन हमें नजर आएगी। टाइमिंग्स ऑब्वियसली आगे मेंशन है, इन दिस इज ऑलवेज ये जो कंपनी अनाउंसमेंट्स होती हैं डिटेल होती हैं बोर्ड मीटिंग्स, ये हम अपने केएसबी क्लाइंट्स को टाइमली फॉरवर्ड करते हैं ताकि उनको वीकली बेसिस पे पता हो कि मार्केट में कौन सी पार्टिसिपेशन है, किसकी अनाउंसमेंट है। तो ये टाइमिंग मेंशन है, डेट मेंशन है, और हम देख सकते हैं ट्यूजडे वाले दिन हमारे पास इंजीनियरिंग है, एंड देन देयर इज बैंक, एंड देन देयर इज सीमेंट, एंड देन देयर इज टेक्नोलॉजी। गोइंग फॉरवर्ड वेडनेसडे की बात कर लें, BIPL, एंग्रो एंग्रो कॉप फर्टिलाइजर हम देख सकते हैं, निशाद पावर देख सकते हैं पावर सेक्टर, इसी तरह शेल का फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट है, जिलिट का रिजल्ट है, कोइनूर टेक्सटाइल, KTML टेक्सटाइल में आई एम होपिंग कि जो जितने पेनी स्टॉक्स हैं इनके रिजल्ट अच्छे हैं तो ये पेनी स्टॉक्स भी शेयर प्राइस बढ़ते हुए हमें नजर आती है। थर्सडे की बात कर लें बैंकिंग सेक्टर में देख सकते हैं अस्करी बैंक, बैंक अल्फला, इसी तरह अलाइट बैंक और स्माइल इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स। सो फ्राइडे थर्सडे वाले दिन सबसे ज़्यादा अनाउंसमेंट्स हैं, एंड ये लिस्ट सारी इसमें मौजूद है। NRSL के रिजल्ट है, PSMC का रिजल्ट है, तो रिजल्ट सीजन है, मार्केट के अंदर वॉलीटैलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसी हिसाब से मार्केट के अंदर केयरफुली आप लोग ट्रेड करें और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, प्रॉफिट टेकिंग करके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, और ऑब्वियसली उसके बाद मार्केट के अंदर आप इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहें। सो दिस वॉज द वीकली क्लोजिंग एनालिसिस, ख्याल रखें, स्टे सेफ, फॉलो SOPs, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक अपने रेगुलर एनालिसिस के साथ। इस मोहम्मद अभी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।